जय हिंद दोस्तों। वन प्लस ने ऑफिशियली एंड्रॉइड 10 पर आधारित स्टेबल ऑक्सीजन ओएस 10 अपडेट को अपने डिवाइस पर देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसका स्टेबल वर्जन अब रिलीज कर दिया है। इससे पहले 2 बीटा वर्जन रोलिंग आउट किए गए थे, जिसमें देखा गया था कि क्या क्या इनमें बग्स हैं, क्या क्या यूजर को परेशानी आ रही है। तो दोस्तों फाइनली इसका स्टेबल वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, पर ये कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाएगा। कारण यही है कि फाइनल वर्जन में ये देखना चाहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, कोई ऐसा फीचर जिसके कारण यूजर परेशान हो, तो इसलिए पहले कुछ लोगों को दिया गया है। अगर वो इसे फाइनल कर देते हैं, यानी कि उन्हें कोई बग्स वगैरह नहीं मिलता है, तो सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वन प्लस दोनों ही डिवाइस के लिए स्टेबल ऑक्सीजन ओएस 10 को कई स्टेज में रोलिंग आउट कर रहा है और इसमें नए नए फीचर मिलेंगे। अगर फीचर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 10 अपग्रेड तो होगा। इसका जो यूजर इंटरफेस पूरी तरह नया डिजाइन है, यानी कि पूरी तरह नया यूआई डिजाइन मिलेगा। प्राइवेसी के लिए बेहतर लोकेशन परमिशन मिलेगी। एक सेटिंग में दिखने वाले आइकन का शेप बदलने के नए कस्टमाइजेशन फीचर मिलेंगे। फुल स्क्रीन जेस्चर मिलेगा। स्क्रीन के लेफ्ट में स्वाइप करने पर बैक मिलेगा। और दोस्तों रिसेंट एप्स के लिए बीच में स्विच करने के लिए बॉटम नेविगेशन बार मिलेगा। और दोस्तों जो गेम खेलते हैं ना, उन्हें नया गेम स्पेस फीचर, जिसमें सभी फेवरेट गेम एक ही जगह मिलेंगे, बेहतर गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप गेम खेलने के शौकीन हो तो आपके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले होगी ये स्मार्ट हो जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे मैसेज हमें ऐसे आते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं कि ये स्पैम मैसेज है। तो दोस्तों ब्लॉक कर सकते हैं स्पैम मैसेज बाय वर्ड फीचर। तो दोस्तों इस प्रकार आपका OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro एक नए लुक के साथ और नई फीचर के साथ इस नए अपडेट से होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।